How are you all? I hope you are all safe and happy. And today's topic is going to be very interesting, friends. That is, the topic is on shark. Okay? So मैं बहुत सारे टॉपिक्स से फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग है मेरे पास और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं मेरे पास. Okay? ये next video ये topic के ऊपर बनाओ. So next topic मैं आपको एक idea बता देता हूँ friends. Next topic arowana के ऊपर बनने वाला है, plantation के ऊपर बनने वाला है. Indian plantation आता है उसमें, वो बनने वाला है. ओके okay, और इसके बाद स्लोली स्लोली मैं क्या करने वाला हूँ, सारे चीजें जो आपको दिक्कत आती है फ्रेंड्स एक्वेरियम जब सेटअप करते हो, आप आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे एक व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो फिर यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में मेंशन कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर बनाना है. ओके सो आज के इस टॉपिक में देखने वाले हम फ्रेंड्स द इंडियन शार्क. ओके ये शार्क है आपके पीछे जो देख रहे हैं वो 6 साल के शार्क. बहुत से लोगों के घर में फ्रेंड्स आपको शार्क फिश नजर आते होंगे फ्रेंड्स, मैंने ऑफ द होटल्स स्कूल्स ओके इंस्टीट्यूट्स रेलवे स्टेशन ओके पब्लिक प्लेसेस में आप शार्क फिश देखने को मिलते रहेंगे फ्रेंड्स आपको. इसका रीजन भी ये है फ्रेंड्स, बिकॉज शार्क एक ऐसे फिश है फ्रेंड्स इसको ऑक्सीजन नहीं लगता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ये वो थर्ड फिश है फ्रेंड्स, मतलब इसको आप 2 दिन भी खाना नहीं देंगे फ्रेंड्स तो भी ये फिश सर्वाइव कर पाएगा. ये जो शार्क है फर्स्ट टाइम हम जब शार्क शब्द सुनते हैं फ्रेंड्स तो हमें ऐसा लगता है कि ये रियल शार्क तो नहीं है, क्योंकि समंदर में हम जो डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखते हैं तो वो शार्क अलग होती है फ्रेंड्स और ये शार्क अलग है. ये जो शार्क है ये इरिडेसेंट शार्क है, ये इंडियन शार्क है. ओके ये वेजिटेरियन स्पेसिस है और इसके हम एडवांटेजेस भी देखने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखने वाले हैं और ये फिश की क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको ताकि ये फिश आपके घर में लॉन्ग लास्टिंग रहे फ्रेंड्स. बिकॉज शार्क एक ऐसे फिश है फ्रेंड्स, ये फिश के वजह से बाकी के सारे फिश एक्टिव रहते हैं. और सबसे पहले बताना चाहूंगा ये फिश की एज कितना है फ्रेंड्स. अभी ये जो ये शार्क ये टाइम में जो आप शार्क देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बड़ा शार्क है ये 6 साल का है. ओके ये पर्सनल शार्क है मेरा, इसमें अल्बाइनो शार्क्स भी है फ्रेंड्स. वो अल्बाइनो शार्क्स बहुत रेयर वैरायटी होती है, मतलब ज्यादा मार्केट में दिखने को नहीं मिलता है. और बताना चाहूंगा ये फिश क्या खाती है फ्रेंड्स. ओके तो शार्क ये ऐसी फिश है फ्रेंड्स, ये नॉन वेजिटेरियन फिश है, मतलब ये नॉन वेज नहीं खाती है. ओके सिर्फ पैरेट से खाएंगी आप, गोल्ड फिश शार्क सारे फिशेस के साथ रख सकते हैं इसको. सिर्फ छोटे छोटे बेबीज मत रखिए, कोई भी एकदम छोटा सा बेबी होगा वो मत रखिए, बिकॉज शार्क फिर खा लेगा उसको. शार्क ने कौन से भी फिश बेबी को खा लेता है तो बेबी आपको अलग रखना है एक्वेरियम के बाहर. ओके और सेकंड चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसका कलर कैसा ग्रो करना है. ओके मैंने ऑफ द कस्टमर से देखा कंप्लेंट दैट मेरी शार्क ब्लैक नहीं हो रही है, ब्राउन है, ग्रे कलर की हो रही है या तो फिर कलर चेंज हो रहा है. तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स ये आपके आपके डाइट के ऊपर है, आप क्या डाइट दे रहे हो आपके शार्क को. इसको हीटर की जरूरत नहीं है. ओके हीटर कब लगाना है आपको, जब इसके ऊपर फंगस आता है. इसको फंगस कब आता है फ्रेंड्स, जब ये ठंडे पानी में रहते हैं फ्रेंड्स, बिलो 23 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जब पानी आ जाता है तो शार्क फिश के ऊपर आपको व्हाइट स्पॉट्स नजर आएंगे फ्रेंड्स. तो जब भी आपको व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं आपको तो आप बिल्कुल डरिए मत फ्रेंड्स, बिकॉज क्या होता है ब्लैक ये व्हाइट स्पॉट्स है जो नॉर्मली नजर आते हैं, जैसे हमें बुखार आता है खांसी आ जाती है तो इसी टाइप का फिश में ये डिजीज आ जाता है, तो ये ठंडा पानी की वजह से होता है. इसका सॉल्यूशन बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है वाटर चेंज करना है. ओके 80% वाटर चेंज करना है, उसके अंदर ब्लू लिक्विड है एंटी बैक्टीरियल जो लिक्विड आता है एंटी फंगस का, वो 2 ढक्कन डालना है, वाटर पूरा ब्लू करना है आपको. हीटर लेना है, हीटर आपको 28 पे रखना है. ओके और जो रॉक सॉल्ट होता है हार्ड सॉल्ट, तो हार्ड सॉल्ट इतना पंच पकड़िए और एक्वेरियम में डाल दीजिए. ओके तो विद इन 2 दिन के अंदर या मिनिमम 1 दिन के अंदर शार्क फिश के बॉडी के ऊपर भी जो भी व्हाइट स्पॉट्स है फ्रेंड्स वो सब चले जाएंगे. और बताना चाहूंगा कि ये फिश बहुत प्यारे फिश है फ्रेंड्स और ये फिश बहुत जल्दी डर जाती है फ्रेंड्स, मतलब कभी भी कोई एनिमल दिख जाता है इसको, बिल्ली क्लोजअप से आ जाती है, बिल्ली आ जाती है, डॉग आ जाता है तो फिश डर जाती है. और फिर क्या होता है बहुत फास्ट मूवमेंट करती है ये कोपरे से ये कोपरे तक, तो ये क्या करती है फ्रेंड्स कांच को ना धड़क देती है, ऐसा धड़क देने की आपको आवाज आएगा और ये फिश को इंजरी भी हो जाती है फ्रेंड्स, मुंह के ऊपर फिश को इंजरी हो जाती है. तो मेनी ऑफ द कस्टमर से बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है कि वो टेंशन में आ जाता है कि अभी फिश मरेंगे तो नहीं हमारी, तो इस केस में क्या करना है सर. आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कस्टमर थे तो उनका सेम प्रॉब्लम हुआ था और मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था और आपके साथ भी प्रॉब्लम हुआ हो चुका होगा ये शार्क फिश के बारे में. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो एंटीबैक्टीरियल है एंटीबैक्टीरियल लिक्विड वो 2 ढक्कन डालना है. ओके हीटर नहीं लगाना है, सॉल्ट नहीं डालना है आपको. ओके और फिश को शांत छोड़ देना है, फिश डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिश ये जो शार्क है जल्दी डिस्टर्ब होने वाली फिश है, डर जाती है जल्दी. और ये जो मुंह के ऊपर जो भी इंजरी हो जाती है शार्क के तो 2 से 3 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होता है 2 से 3 दिन में कवर तो हार्डली इसको 1 वीक तो लग सकता है.
मेनी ऑफ द एक्वेरियम्स में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि वाटर जो है ऐसा पीला पीला हो जाता है फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। वो क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? बिकॉज शार्क फिश ये जो है लिक्विड में वेस्ट करती है, सॉलिड में वेस्ट नहीं करती है, तो इसी की वजह से वाटर थोड़ा क्लाउडी नजर आता है। तो उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 50% वाटर चेंज करना है और छोड़ देना है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। और हार्डी फिश है, विदाउट ऑक्सीजन रहने वाले फिश है, सारे फिशेस के साथ रहती है, विदाउट कंप्लेंट फिश है। आप 2 दिन भी इसको खाना नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे। तो आप इसको खाना भी नहीं देंगे फ्रेंड्स तो ये सर्वाइव कर लेंगे, 2 से 3 दिन सर्वाइव कर लेंगे। मैक्सिमम ये 1 वीक तक भूखी रह सकती है फ्रेंड्स, 1 वीक के बाद अगर आप इसको फूड डालेंगे तो थोड़ा वीकनेस आ जाता है, थोड़ा ढीलापन आ जाता है फिश में, तो वो स्लोली स्लोली वीकनेस के तरफ चले जाती है और बाद में फिर मर जाती है। बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ पैलेट से खाएंगी, दूसरे फिशेस को हार्म नहीं करेगी। कोई कस्टमर के पास कोई होटल है ओके, या तो फिर उसको टाइम नहीं मिलता है, उसको एक्वेरियम रखना है घर में, सो दिस इज द फिश विच आई विल रिकमेंड फॉर यू फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स शार्क फिश के बारे में तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना। इसके बारे में मैं अरमाना का भी एक वीडियो डालने वाला हूँ, लाइव प्लांटेशन का भी वीडियो डालने वाला हूँ। ये जो लाइव प्लांटेशन है मेरे पास, इसमें सारी चीजें आपसे बहुत सारे बात करने हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरा थोड़ा रूटीन बिजी होता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बना। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये शॉर्ट वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।